दिल्ली के पीतमपुरा स्थित रामलखन कमेटी द्वारा कराई गई भव्य रामलीला एवं दशहरा पर्व को धूमधाम से मनाने के साथ साथ पर्यावरण का भी विशेष ध्यान रखा गया है, क्योंकि यहाँ जलाए गए पुतले काफी आकर्षित तो है ही, साथ ही इनमें जिन पटाखों का प्रयोग किया गया है वो ग्रीन क्रैकर्स है, जो कि इस बार ही बाजार में आए हैं। इन पटाखों की विशेषता है कि ये दूसरे पटाखों की अपेक्षा कम आवाज और कम धुआं छोड़ते हैं, यानी यहाँ पर रामलीला कमेटी वालों ने पर्यावरण को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त करने में अपनी शानदार भागीदारी निभाई। वहीं इन पुतलों के साथ साथ यहाँ एक चौथा पुतला भी जलाया गया। हमारी रामलीला पिछले 25 सालों से हो रही है, जो जगह जगह हो रही है, और 6 साल से इस प्रांगण में दीपाली चौक पर होनी हो रही है। इसमें खासियत बहुत तरीके की है। हमारा ऑफिस बहुत बढ़िया है, खाने मेले के झूले बहुत बढ़िया चलते हैं। लीला का मंचन इतना बढ़िया होता है कि हमारे यहाँ कम से कम 10,000 आदमी। हर जगह 3 पुतले दहन किए जाते हैं, आज हमने 4 पुतले दहन किए, वो क्यों? आज हमने 4 पुतले रावण का, कुंभकर्ण का, मेघनाद का, ये तो हमेशा ही करते हैं। इस साल हमने सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए लोगों से अपील की है कि वो इस्तेमाल ना करें। जो कि सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रतीकात्मक पुतला था, जिसके जरिए पूरे समाज को एक मजबूत संदेश दिया गया कि सिंगल यूज में आने वाले प्लास्टिक का पूरी तरह से बहिष्कार कर और देश के प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ भारत अभियान में न केवल देश और समाज के लिए ही नहीं, बल्कि अपने आने वाली पीढ़ी के लिए भी इसका हिस्सा बने, ताकि उन्हें एक स्वच्छ व सुंदर देश और पर्यावरण दे सके। और हमारी पूरी टीम जो प्रभु श्री राम के कार्य में सब मिलजुल कर साथ देती है, और हर साल हम रामलीला का ये मंचन संभालते हैं। और पेशे से मैं टेक्निकल ऑपरेटर हूँ, मानेसर जॉब करता हूँ। साल में केवल एक ही साल ऐसा आता है जो हम केवल रामलीला के लिए जोड़ते हैं, और पिछले 1 सवा महीने से हम प्रैक्टिस करना चालू करें।